Hey guys, welcome back to my channel. So guys, I'm back again with a new reaction video. तो guys, इतने बहुत दिन के बाद फिर से आई हूँ reaction video को लेके. तो कुछ दिन से मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रही थी. एक ही फ्रेंड है, उन्होंने मेरा आई थिंक हर वीडियो पे, मेरा ट्रेंडिंग रिएक्शन जो चैनल लगा है उस चैनल पे मैं जो भी वीडियो अपलोड करती थी ना, हर वीडियो पे बस एक ही कमेंट देखने को मिलता था कि मैम पवन जी का एक होली सॉन्ग है उस पर आप रिएक्ट कीजिए. तो वीडियो का जो टाइटल है वो है होली में छोड़ के जात बाड़ू जान, ऐसा कुछ गाना है गाइज. तो आई डोंट नो कि यार इस वीडियो के अंदर क्या है जो इतना सारा मतलब कमेंट्स आया है मेरे पास इस सॉन्ग के लिए. तो इसलिए मुझे लगा कि आप रिएक्शन देना चाहिए यार, बहुत दिन से मतलब बोल रहे हैं. तो चलिए, मैं टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ. ये गाइस होली सॉन्ग है, तो पहले वीडियो को देख लेती हूँ फिर आप लोगों से बातें करती हूँ. बट उससे पहले, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, और साइड में जो बेल बटन है ना उसको जरूर प्रेस करना ताकि आप लोगों को मेरा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए. ओके, और अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टा फॉलो नहीं किया तो इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिए. इंस्टा का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग जाके चेक जरूर करना. एंड प्लीज 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 फॉलो भी जरूर करना. ओके, चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करती हूँ. छुके तो गालिया के लई तीन बिरिया रहनी गलिया में, छुके तो गालिया के लई तीन बिरिया रहनी गलिया में, तो छोड़ के जात बाड़ू जान जाते जाते घूंघटा में मुस्कुरा दे तू, तनिया सरा हमरा के तू धरा दे तू. जाते जाते घूंघटा में मुस्कुरा दे तू, तनिया सरा
बहुत हार्ट टचिंग वीडियो है गाइस, क्या बताओ यार। मतलब ये होली स्पेशल वीडियो है, होली सॉन्ग है, बट इसका जो स्टोरी है ना वीडियो का, बेवफाई वीडियो है यार सच में। मतलब एक तो मुझे इतना पता है होली गाइस आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होती है, मतलब स्पेशली बिहार के लिए होली सबसे इम्पॉर्टेंट ओकेशन होती है मुझे जितना पता है। और ऐसा एक इम्पॉर्टेंट ओकेशन के बीच में अगर आपका प्यार आपसे खो जाता है, या आपके सामने आपके जो गर्लफ्रेंड है, आपका जो प्यार है, उसके साथ ही किसी और के साथ हो जाती है, तो उस टाइम जो सिचुएशन होती है ना गाइस, वो सिर्फ उन लोगों को पता है जिन लोगों के साथ ऐसा होता है, ठीक है। ऐसा एक स्टोरी इस वीडियो में भी देखने को मिला, मतलब लड़की जो है, लड़की की शादी किसी और के साथ हो जाती है, तो ये बहुत ही पेनफुल स्टोरी था यार सच में। मतलब मेरे आंखों से आंसू आ गई थी, और मैं तो यार भगवान से प्रे करती हूँ कि ऐसा सिचुएशन रियल लाइफ में किसी के साथ ऐसा ना हो, ठीक है, क्योंकि प्यार बहुत बुरी चीज़ है यार। अगर आदत ना हो तो भाई सही है, अगर आदत लग जाए किसी की ना, तो उसको भूलना, उसको भुलाना बहुत बहुत ही डिफिकल्ट है यार सच्ची में। जिन लोगों के साथ होती है उन लोगों को पता है, तो मैं ज़्यादा इस बात को लेकर कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, बस यही बोलती हूँ गाइस कि रियल में ऐसा किसी के साथ ना सच में। बाकी गाइस वीडियो बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत दिन के बाद मैं पवन जी का वीडियो पर रिएक्ट कर रही हूँ, वो भी सैड सॉन्ग के ऊपर, तो बहुत अच्छी लगी वीडियो देख के। आप लोगों को कैसा लगा आज का ये वीडियो, सबसे मेरा रिएक्शन कॉमेंट में आप लोग ज़रूर बताना। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में थोड़ा बहुत अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, न्यू वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू।